हेलो गाइस, आज मैं आप सभी के लिए वांगी भात मसाला की रेसिपी लेके आई हूँ। तो बने रहना वीडियो के साथ में। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को फुल वॉच जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए वांगी भात मसाला बनाना शुरू करते हैं। वांगी भात मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे उबले हुए चावल लिए हैं, हरे लंबे वाले बैंगन लिए हैं, यहाँ पे मैंने ली है साबुत लाल मिर्च ली है तोड़ के, उड़द दाल ली है थोड़ी सी, चना दाल और मूंगफली ली है, इमली का पानी लिया है, जीरा और राई ली है और प्याज लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो कढ़ाई में घी गर्म होने के लिए रखेंगे, घी को अच्छे से गर्म कर लेना है। गरम घी के अंदर जीरा और राई डाल देते हैं, हल्का सा चटकने देना है। हींग डालेंगे थोड़ा सा, करी पत्ते डाल देते हैं, मूंगफली चना दाल वो सभी डाल देते हैं। हल्का सा फ्राई करेंगे। आज मैं आपको कर्नाटकी स्टाइल में बता रही हूँ वांगी भात मसाला बनाना। कटा हुआ प्याज डाल देते हैं, प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे। प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर वांगी भात मसाला पाउडर डालेंगे। आप इस पाउडर को घर में भी बना सकते हो, नहीं तो फिर बाजार से भी ला सकते हो, आसानी से मिल जाएगा बाजार में। तो अच्छे से मिक्स करेंगे और सभी मसालों को मिक्स करते हुए पका लेंगे। तो मसाले अच्छे से पक चुके हैं, इसमें कटा हुआ हरा लंबा बैंगन डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, अगर आपको पसंद हो तो डालिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। ज़्यादातर नहीं डालते हैं लेकिन मुझे पसंद है, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर इमली का पानी डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम ढक्कन लगा के बैंगनों को अच्छे से पका लेना है। तो ढक्कन हटा के चेक कर लेते हैं। तो देखिए बैंगन अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसके अंदर उबले हुए चावल डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। ढक्कन लगा के 2-3 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 2-3 मिनट हो चुके हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो वांगी भात मसाला बन के तैयार हो गया है। आप देख सकते हो कितना खिला खिला बना है, देखिए देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है। तो आप एक बार इस तरीके से जरूर ट्राई करना। तो चलिए गैस को बंद कर देते हैं और एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, कर्नाटकी स्टाइल में वांगी भात मसाला बन के तैयार हो गया है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।